पीटर क्वालिटी इन अ और प्रोडक्ट इज नॉट व्हाट यू पुट इन टू इट इट इज व्हाट द क्लाइंट और कस्टमर गेट्स आउट ऑफ इट मीन्स सो जब हम क्वालिटी की बात करते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस में तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने उसमें कितने एफर्ट डाले हैं बल्कि हमारी प्रोडक्ट या सर्विस में क्वालिटी का मतलब होता है कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विस का जो एंड यूजर है जिसके लिए हमने वो बनाया है वो कस्टमर हमारे उस प्रोडक्ट या सर्विस में से क्या प्राप्त कर पा रहा है उसे क्या मिल रहा है सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट सो सिंपली अगर हम कहें कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की जो क्वालिटी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा जो कस्टमर है क्या उसकी एक्चुअल वो फुलफिल कर पा रहा है या नहीं या उसकी जो बर्निंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है Yeah, neat. हेलो फ्रेंड दिस इज प्रदीप एंड वेलकम बैक टू लीन सी फ्रेंड्स जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है आज हम बात करेंगे वीओ सी एंड वी ओपी बारे में वीओसी समझने की कोशिश करें सो so, एक कस्टमर है एंड एक उसके लिए काम करने वाला सप्लायर एंड कस्टमर अपने सप्लायर से क्या एक्सपेक्ट करता है यही कि उसके जो प्रोडक्ट सप्लायर द्वारा बनाए जा रहे हैं उसकी जितने भी सीटी क्यू है या फिर हम बात करें जो उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए एंड सप्लायर भी उसे इंश्योर करता है उसके डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए सो so, सिंपल है कस्टमर की जो नीड है वो वॉइस ऑफ कस्टमर है एंड एज अ सप्लायर हम उस कस्टमर की नीड के हिसाब से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड वॉइस ऑफ प्रोसेस इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश भी करेंगे ये एक कंट्रोल चार्ट है जिसमें कि हमारी अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट हमने डिफाइन की है एंड बीच में ये हमारा प्रोसेस का पैटर्न है सो so, इस एग्जाम्पल में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो so फ्रेंड्स ये जो यूसीएल एंड एलसीएल है दिस कंट्रोल लिमिट इज डिफाइंड बाय आवर कस्टमर कस्टमर so, ने क्या बोला है कि हमारा जो प्रोडक्ट आप बनाओगे वो इस कंट्रोल लिमिट के अंदर ही होना चाहिए द कंट्रोल लिमिट इज द वॉइस ऑफ कस्टमर सो वॉइस ऑफ प्रोसेस की अगर हम बात करें तो so ये जो कंट्रोल लिमिट है जिसको कि हम वॉइस ऑफ कस्टमर कहते हैं इसके बीच में जो हमारा प्रोसेस का पैटर्न है यानी कस्टमर की प्रोडक्ट सर्विस को हमारी प्रोसेस किस तरीके से बना रही है उस प्रोसेस की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ये जो पैटर्न शो हो रहा है ये ही वॉइस ऑफ प्रोसेस है तो so, सिंपल है कस्टमर जो भी रिक्वायरमेंट अपने सप्लायर को दे रहा है उसके प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग वो है वॉइस ऑफ कस्टमर एंड कस्टमर की जो डिमांड है उसको हम एक्चुअल कैसे पूरा कर पा रहे हैं या कैसे उसके प्रोडक्ट या सर्विस को उसकी नीड